नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में हैं। दिल्ली के सीएम और उनकी पार्टी बार बार कह रही है कि जेल से ही सरकार चलाई जाएगी, केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे में कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। जेल से सरकार आखिर कैसे चलाएंगे केजरीवाल? क्या केजरीवाल के लिए नियम बदले जाएंगे? जेल से सरकार चलाने वाले केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री, फिर बाकी मुख्यमंत्रियों ने जेल जाने से पहले आखिर कुर्सी क्यों छोड़ दी थी? केजरीवाल ने मुलाकातियों की लिस्ट में किसी मंत्री का नाम नहीं लिया, फिर किसके आदेश से और किसे आदेश देंगे केजरीवाल? ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट का क्या होगा? जेल में अफसरों मंत्रियों से मीटिंग कैसे कर पाएंगे केजरीवाल? जनता के ग्रीवेंसेस कैसे दूर होंगे? दिल्ली के सीएम को कई बार एलजी से दिशा निर्देश लेना होता है, आखिर ये कैसे संभव होगा? क्या राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रही है दिल्ली? इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आदिश अग्रवाल के साथ। तो सबसे पहले आदिश जी, आपसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, जो स्थिति पैदा हो गई है, अब केजरीवाल जी जेल में हैं और वो कह रहे हैं वहीं से सरकार चलाएंगे, उनकी पार्टी भी लगातार यही कह रही है कि इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन कानून इस मामले में क्या कहता है और अब तक कोई ऐसा मामला आया है जिसमें इस तरह की स्थिति पैदा हुई हो? अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है। सभी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स ने जब भी ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप हो रही थी तो उन्होंने रिजाइन करके फिर उन्होंने जेल गए, परंतु कोई कानूनी बाधा भी नहीं है कि जेल में रहते हुए आप चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकते, ये बाधा नहीं है। परंतु ये जैसे आपने कहा, कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ सकती। तो जो ये मामला है, ये अपने आप में एक नजीर बनेगा ऐसा लगता है, तो ऐसे में क्या रास्ते दिखते हैं, किस तरीके से, अगर मान लिया वो चलाने पे ही जारी रखते हैं अपनी बात की भाई हम अंदर से ही सरकार चलाएंगे, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कानून रूप से अड़चने क्या आ सकती हैं? अड़चने कानूनी तौर पर नहीं आ सकती, कई बार प्रैक्टिकल आस्पेक्ट पे आ सकती। जैसे मतलब कि कानूनन जब तक कन्विक्ट नहीं होता और 2 साल से ऊपर की कन्विक्शन, दो का ही है कि उससे ज्यादा की उसका नहीं होता, तब तक वो डिबार नहीं होता है। एमएलए रह सकता है, एमपी रह सकता है, और एमएलए रह सकता है तो चीफ मिनिस्टर भी रह सकता है। तो केजरीवाल जी जैसे पहले से जाने जाते हैं कि वो जिद्दी टाइप के नेता हैं, यानी कोई चीज बाद में सोचते हैं कि क्यों कही लेकिन कर देते हैं, तो अभी उन्होंने फैसला कर लिया कि इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में अगर वो वहां से कोई आदेश पारित करना चाहें, कोई निर्देश देना चाहें, तो उसका क्या, आपको क्या लगता है क्या तरीका होगा जिससे ये सब कुछ ठीक से चलता रहे? वो इतना प्रोविजन भी है कि पैरोल पर बाहर आकर भी कैबिनेट की मीटिंग ले सकते हैं और वहां चाहे तो वहां भी बुला सकते हैं। जेल्स में हमने बहुत फंक्शंस किए हैं, दिल्ली जेल में किए हैं, उसमें जजेस तक गए हैं, पर कैदी के तौर पे नहीं। ये हमने नैनी जेल में किए हैं और क्या हिंदुस्तान की जेल्स में हमने प्रोग्राम रखे हैं, उसमें वकील, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, ऐसे जाते रहे। जी बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम की बात अलग है आदिश जी, कार्यक्रम की बात अलग है, और इससे पहले भी ऐसे मौके आए हैं। सर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब कोर्ट ने ये कहा है कि कोई कन्विक्टेड भी इंसान है या नहीं कन्विक्टेड है, उसका ट्रायल ही चल रहा है, अंदर निरुद्ध है, तो वहाँ पर उसको इस बात का निर्देश दिया गया है कि अंदर ऑफिस सेटअप कर ले। सहारा का केस ले लीजिए, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिसमें अंदर बाकायदा ऑफिस बनाया गया, वहाँ मीटिंग्स हुई और उन लोगों से डील हुई ताकि वो कुछ पैसे जुटा सकें या और भी काम, अपने काम कर सकें, ऐसा भी किया गया, और एक दो और बिल्डर्स हैं इनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन ये मसला थोड़ा दूसरा है, इसमें सीक्रेसी की भी बात है, इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी बात है, इसमें सुरक्षा की भी बात है, तो क्या ऐसा रास्ता अपनाया जा सकता है केजरीवाल की तरफ से? ताकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई ये नहीं है कि किसी आम आदमी को बात बता देनी है, अपने मंत्रियों को बताना है, अपना डिसीजन बताना है, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी कैदियों को बता देना है जो वो स्कीम बना रहे हैं वहाँ अलग रह रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मॉरलिटी में नहीं रहना होता है। परंतु
पॉलिटिशियंस को कई एंगल से देखना होता है कि भाई हम छोड़ देंगे तो पार्टी पे गवर्नमेंट पे अपना कंट्रोल नहीं रहेगा। सो बात होती है, हर एक आदमी के अलग अलग सोच होती है, अलग अलग सिचुएशन होती है, परंतु कानूनन कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल कई बार डिफिकल्टी होती है, परंतु क्योंकि जेल जो है वो भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत है, तो वहां पर जो वे चाहेंगे कानूनी तौर से ऑफिशियली इजाजत उनको हर चीज की मिल जाएगी। अच्छा सर, इसमें एक और नई और खास बात यह है कि जिस जेल में वो बंद हैं वो जेल भी उन्हीं के अंडर में आती है, तो क्या एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपनी ही जेल को जेल के भीतर से इस बात का निर्देश दे सकते हैं कि उनके लिए ऑफिस सेटअप किया जाए, या कोर्ट के जरिए ये जा सकते हैं कि उनको ऑफिस चलाने की जो इजाजत दी जाए और उसका सेटअप किया जाए ऑर्डर नहीं दे काम? सकते जी ये चीज, नो नो, इस चीज का ऑर्डर नहीं दे सकते, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। इस चीज में आज वो अगर वहां रहते नहीं तो वो ऑर्डर कर सकते थे, अपने बारे में खुद ऑर्डर नहीं कर सकता कोई भी। एक कानून के विशेषज्ञ के तौर पे बताएं हमारे दर्शकों के लिए कि आखिरकार अगर वो कानूनी तरीके से इस रास्ते पे जाएं कि हम उनको वहां जेल से ही सरकार चलानी है, तो आखिरकार क्या रास्ता, किस तरीके से उनको सेटअप क्या करना पड़ेगा, क्या अपील करनी पड़ेगी, क्या रास्ता हो सकता है? उनको जेल सुप्रिंटेंडेंट को लिखना पड़ेगा कि मैं चीफ मिनिस्टर भी हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग बुलाने का इजाज़त दी जाए, और वो से इजाज़त देनी पड़ेगी क्योंकि वो मंत्री भी हैं और उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को परफॉर्म करना है, और क्योंकि वो बंद है इसलिए इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो ऐसे में जब कोर्ट ने ही उनको जेल में भेजा है तो क्या इसको तिहाड़ जेल प्रशासन को या उनको खुद को कोर्ट में इस बात की अपील नहीं करनी होगी? वो चाहे कोर्ट भी जा सकते हैं, चाहे जेल सुप्रिंटेंडेंट को लिख कर दे सकते हैं, और वो अपने आप भी दे सकता है, और नहीं तो कई बार ये कि मेरे ऊपर कोई आंचन आएगा तो वो कोर्ट से इजाजत लेके कि इस तरीके से आपने जो एक्यूज को हमारी कस्टडी में भेजा है, जुडिशियल कस्टडी में, जी उन्होंने ये हमारे को प्रेयर करी है, तो आप हमको इंस्ट्रक्शन दो कि हम ये इजाजत दें या ना दें। यानी जेल प्रशासन को भी आखिर में अदालत में इस बात के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं, लेना जरूरी नहीं है, परंतु अपनी सेफ्टी के लिए, अपना दिखाने के लिए कि भाई हम उन्हीं कैडर थे तो इसलिए हमने अपने आप डिसीजन नहीं ले लिया, अपने आप इजाजत नहीं दे दी, इसलिए अपने दिखावे में पब्लिक में कि देखिएगा हमने जो काम किया वो कानूनी तरीके से किया, कचहरी के ऑर्डर से किया, क्या आपको और कानून कचहरी भी जी इजाजत देगी। जी अच्छा, कभी आपको अपने पूरे करियर में या अपने कभी एक्सपीरियंस में कानून की किताबों में ऐसा कोई केस देखा हो जिसमें कि किसी को जेल के अंदर से सरकार चलानी पड़ी हो, नहीं सरकार चलानी पड़ी हो तो कोई मंत्री हो जिसको अंदर से निर्देश देने पड़े हों, और क्या ऐसी बाध्यता होती है जिसके चलते मंत्री या मुख्यमंत्री या कोई ऐसे पदाधिकारी जेल जाने से पहले अपने पद से इस्तीफा देते हैं? वो तो केवल पब्लिक में दिखाने के लिए कि भाई देखिएगा जरा सा भी लांछन आया है तो हमने दे दिया, और हम क्लीन चिट लेके ही आएंगे, हैं मेरे को झूठा फंसाया जा रहा है, परंतु फिर भी मैं जो है रिजाइन कर रहा हूँ। कई बार उनकी पार्टी भी बोलती है कि भाई रिजाइन करो, क्या है जब बॉस होता है उसको कोई ऑर्डर नहीं देता है, ना उसको कोई डायरेक्शन मिलती है, उसको खुद ही डिसीजन लेना है। यहाँ कोई सेकंड रैंकिंग का लीडर होता है तो उसको अपने बॉस का कहना मानना पड़ता है। एक और चीज़ आदेश जी, इस बारे में भी चर्चा हो रही है कि जो स्थितियां बन रही हैं, अगर कोर्ट से कोई ऐसी राहत नहीं मिलती है, केजरीवाल अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जबकि सिटिंग मुख्यमंत्री जेल के भीतर है और वो इस्तीफा नहीं देना चाह रहा है, तो क्या हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं जिससे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके? देखिए ये बड़ा डिफिकल्ट, ये कोई थर्मामीटर नहीं है इस चीज़ का कि ऐसे जो सिचुएशन पे कोर्ट लगा, ये एलजी जो है रिकमेंडेशन कर सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। चैलेंज होगा कोर्ट्स में, उसके अंदर कोर्ट इस वाले मामले में कोई भी व्यू ले सकती है,
कि भाई नहीं लगाना चाहिए था और लगाना भी ठीक है, दोनों तरीके के इसमें व्यूज कोर्ट्स के आ सकते हैं, ये ऐसा आपके क्लियर लिए कट भी केस एक नहीं है। जी आपके लिए भी ये आदेश जी ये लर्निंग केस है, मुझे लगता है एक केस जो एग्जाम्पल बनेगा भविष्य में। इस केस में अगर मान लिया एलजी, आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में कभी नहीं बनती और वो चाहेंगे ही कि राष्ट्रपति शासन लगे और वो रेकमेंड कर भी सकते हैं, अगर रेकमेंड करते हैं तो कानूनी रूप से क्या उनको इस बात का मौका दिया जाएगा कि वो अपने बहुमत को सिद्ध कर सकें या मान लिया ये प्रूव कर सकें कि नहीं बाहर जो होगा इसमें राष्ट्रपति बहुमत शासन नहीं का बाहर। क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुमत का क्वेश्चन वाला नहीं है यहाँ पर कि भाई ये गवर्नमेंट माइनॉरिटी में रह गई, ये वाला क्वेश्चन अभी अराइज नहीं हुआ है। ये तो क्वेश्चन अगर होगा तो यही होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सरकार काम नहीं कर सकती है। अब उसमें एलजी अपने ग्राउंड्स देंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर उसको एक्सेप्ट करती है तो नेचुरली इस तरीके के केसेस को, डिसीजन को चैलेंज भी करा जाएगा। उसमें डिफरेंट व्यूज सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेज के आ सकते हैं। जी अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं कि केजरीवाल जी इस्तीफा न दें और एलजी लिख दें चिट्ठी इस बात के लिए कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो केजरीवाल के सिटिंग चीफ मिनिस्टर की तरह उनके पास क्या ऑप्शन लगते हैं, कानूनी रूप से क्या ऑप्शन बचता है? उसको रिट फाइल करें कि जी ये गलत तरीके से रिकमेंडेशन करी है, एलजी को कोई पावर नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि, क्योंकि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि अगर कोई आदमी ट्रायल के वक्त, ट्रायल भी अभी नहीं है असलियत में, अभी तो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में मेरे को बंद कर दिया गया है और मेरे को, मैं सरकार चलाने का अधिकारी हूँ और सरकार मैं चला सकता हूँ, मेरा फिजिकल होना भी, हर मीटिंग को फिजिकल अटेंड करना भी कोई जरूरी नहीं है, टेलीफोन पर भी मीटिंग हो सकती है। जी क्या ये भी एक रास्ता बचता है कि अगर एलजी रेकमेंड करें और उससे पहले वहाँ से रिकमेंडेशन को माना जाए और उससे पहले केजरीवाल पावर हैंडओवर कर सकते हैं, यानी अपनी जगह किसी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, कानूनी रूप से ये संभव वो होता तो है? कभी भी किसी टाइम भी रिजाइन कर सकते हैं किसी भी स्टेज पर, और अपना रिजाइन करने पर, क्योंकि पोस्ट खाली हो गई चीफ मिनिस्टर की, तो कोई भी लीडर वो बनेगा सीएम इनके, मिस्टर केजरीवाल के कहने से, जो आज तक की जो सिचुएशन है पार्टी की, तो कोई भी लीडर एलजी के पास जाकर ये क्लेम कर सकता है कि आई एम द लीडर ऑफ द आप पार्टी असेंबली पार्टी और मेरे पास बहुमत है, और क्योंकि सीएम ने रिजाइन कर दिया तो मेरे को दावत दी जाए, मेरे को इनवाइट करा जाए गवर्नमेंट फॉर्म करने का, क्योंकि मेरे यानी पास कुल मिलाकर मेजोरिटी के है, ये मैं ले पूरा मामला चलेगा। कानूनी रूप से कहीं फंसता हुआ नजर नहीं आता, जो कुछ भी हो रहा है सियासत ही हो रही है। जी। तो ये आदिश अग्रवाल जी हैं जो कि हमको बता रहे हैं कि केजरीवाल के पास क्या-क्या विकल्प हैं, क्योंकि वो जेल के भीतर हैं, वो लगातार कह रहे हैं इस्तीफा नहीं देंगे, और साथ ही साथ कानूनी विकल्प उनके सामने क्या हैं, क्या यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है या नहीं, या जेल के अंदर से ही सरकार चलाई जा सकती है, इन सब बातों के बारे में आदिश अग्रवाल जी ने जानकारी दी। और उससे साफ पता चलता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कानून कहीं अड़चन नहीं आने वाला, लेकिन जो कुछ भी ड्रामा है ये सियासी है और इसका हर कोई राजनीतिक फायदा लेना चाहता है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में आज बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार।